हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के प्राइस कट के बारे में। अभी जैसे कि हमको पता है कि राइजन के 3000 सीरीज के जेन 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड नए सीपीयू जो है वो अनाउंस हुए हैं और अगले महीने 7 तारीख को वो रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, एएमडी ने जो है वो नावी ग्राफिक्स कार्ड को भी जो है वो अनाउंस कर दिया। तो अब इन दोनों चीज़ों से जो है वो एनवीडिया ने भी अपने सुपर सीरीज के कार्ड निकालने का सोचा है। अगेन ये रूमर्ड है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो एनवीडिया ने कोई सुपर सीरीज के कार्ड का ऑफिशियल अनाउंस किया नहीं है, लेकिन रूमर चल रहे हैं कि एनवीडिया जो है वो सुपर सीरीज को निकालेगा। एंड इंटेल की भी जो है वो इंटेल भी हिल रखा है फिलहाल के लिए तो। और इंटेल जो है, ये खबर आ रही है कि इंटेल जो है वो 10-15% तक अपने प्रोसेसर्स की जो है वो प्राइस कट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो जितने भी इंटेल के प्रोसेसर्स हैं इंक्लूडिंग i9 9900 के, इंटेल जो है वो 10-15% उसकी कीमत जो है वो कट कर सकता है। अगेन अभी ऑफिशियली जो है वो इंटेल ने किया नहीं है, कर सकता है, ये रूमर्स आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि मुझे इंटेल से नफरत है या मैं इंटेल का हेटर हूँ। एक्चुअली पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ मामलों में इंटेल जो है वो एएमडी से अच्छा लगता है। अगेन कुछ मामलों में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंटेल का हेटर हूं, बट फिर वो ये कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ना चाहिए और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो ही दो कंपनियां जो है वो आपस में वो होंगी और फायदा आपका होगा। देखो अभी अगर एएमडी जेन 2 लॉन्च नहीं करता तो इंटेल जो है वो अपनी प्राइस कट नहीं करता। ठीक है, तो कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें एएमडी नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन को गाली मत दो कि एएमडी जो है वो बेकार कंपनी है, ऐसा वो ऐसा ये सब मत करो, क्योंकि तुम इंटेल फैन बॉय हो या एएमडी फैन बॉय हो, दोनों में से कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन उसके लिए जो है वो ये मत बोलो कि दूसरी कंपनी बेकार है, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत मेहनत करती हैं। हालांकि इंटेल के पास पैसा भी ज़्यादा है, बेचारी एएमडी के पास पैसा वैसा भी कम है, तो उनके लिए छोटी बड़ी उनके लिए कुछ चीज़ करना एक मुश्किल है। तो इंटेल ने अभी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट निकाला था कि एएमडी के लिए कि एक 3 अक्षर वाली कंपनी है जो नए सीपीयूज में भी लॉन्च कर सकती है। 3 अक्षर वाली कंपनियों की तरफ से तुम्हें जो है वो न्यूज़ देखने को मिलेगी सीपीयूज के रिगार्डिंग, गेमिंग सीपीयूज के रिगार्डिंग, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो है वो हमको गेमिंग में बीट करके दिखाए। ये इंटेल ने एएमडी को ऑफिशियली चैलेंज दिया था। उसके बाद ये एएमडी के ऑफिशियली इवेंट से E3 का जो इवेंट था उससे पहले की बात है। ठीक है, E3 इवेंट से जस्ट पहले इंटेल ने एएमडी को चैलेंज दिया और एएमडी ने जब अपने सीपीयूज दिखाए, उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाई, इंटेल के सीपीयूज की जो है वो हालत खराब हुई और अब जो है वो इंटेल को कुछ ना कुछ तो करना है मार्केट में बने रहने के लिए। नए सीपीयूज वो डेस्कटॉप पे 10 नैनोमीटर के सीपीयूज तो अभी आने नहीं वाले, अभी 10 नैनोमीटर के सीपीयूज सिर्फ लैपटॉप्स पे आएंगे, वो भी इस साल के एंड तक, वो भी आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ में आ गए हैं, कुछ में आ गए हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप के 10 नैनोमीटर के सीपीयू जो हैं वो तो बहुत बाद में आएंगे, वो 2021 में आएंगे। ठीक है, उसके तब तक तो भैया कोई चांस है नहीं। फिलहाल बात यही चल रही है कि अभी एक और 14 नैनोमीटर प्लस प्लस वाली जनरेशन आएगी जिसमें तुम्हें 10 कोर का भी सीपीयू देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ भी है। तो इंटेल को जो है कुछ करना था तो अब इंटेल जो है प्राइस कट कर रहा है, तो यही फायदा होता है कॉम्पिटिशन का, इसीलिए मार्केट में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एनवीडिया ने जो है वो अपने सुपर सीरीज अनाउंस कर दी क्योंकि जो है वो एएमडी ने नावी अनाउंस कर दिया, तो वही चीज़ है, कॉम्पिटिशन होगा तो तुम्हें जो है वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, तुम्हें नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसमें कुल मिला के हमारा ही फायदा है। अब जैसे एएमडी जैसी कंपनीज के जो है वो Zen 2 जैसा एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना एंड उसको जो है लॉन्च करना एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक अगर तुम गूगल यूज करो, तुम इंटेल की मार्केट कैप देखो, इंटेल जो है वो $200 बिलियन की कंपनी है और एएमडी मतलब तुम एक पल के लिए सोच के देखो गाइस, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, एनवीडिया भी एएमडी से बड़ा है। ठीक है, जबकि एएमडी सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड दोनों बनाता है, एनवीडिया सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एनवीडिया एएमडी से बड़ा है, बहुत बड़ा, अराउंड आई थिंक 3 या 4 गुना बड़ा है एनवीडिया अकेला। ठीक है, तो एएमडी के लिए यार दोनों मार्केट में कम्पीट करना और वो सब करना वो मुश्किल है। ऊपर से इंटेल जितना पैसा इंटेल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 4 महीने में खर्च करता है, उतना एएमडी का तो पूरे साल का बजट होता है। ठीक है, तो मतलब इंटेल जितना रिसर्च, नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करने में 4 महीने में खर्च कर रहा है, उतना पूरे एएमडी का बजट है साल का। ठीक है, तो सोचो यार, इंटेल कितनी बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से यार अगर तुम्हें कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है तो वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। ठीक है, और जिनको लगता है कि एएमडी जो है वो सिर्फ टीएसएमसी से बनवा रहा है, अपना खुद का कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अगर तुम जेन 2 आर्किटेक्चर की बात करो तो जेन 2 आर्किटेक्चर अपने आप में एक कमाल की चीज़ है। तुम अगर तुम जानते हो 7 नैनोमीटर जब तुम प्रोसेस छोटी करते हो ना तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम होती है, प्रोसेस कम नोड जब तुम छोटी करते हो श्रिंक होती है, जब ट्रांजिस्टर छोटे होते हो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अक्सर कम होती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है वो पुरानी जनरेशन 12 नैनोमीटर वाला जो राइजन था या 14 नैनोमीटर वाला जो राइजन था फर्स्ट जेन और सेकंड जेन, उनके मुकाबले तुम्हें फ्रीक्वेंसी ऊपर देखने को मिली। जब तुम प्रोसेस छोटी करते हो तो
तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स भी छोटे होते हैं, ये बात तुम भी जानते हो। उससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर की जो एक तरीके से समझ लो साफ हिंदी और जिस ऐसी भाषा में अगर मैं बोलूँ जो सबको समझ में आए, तो ऐसा समझ लो कि एकदम माइक्रो लेवल पे जो तुम्हारी वायरिंग है ना, जो तारे हैं वो भी छोटी होती हैं। तो जब तार जो होगी, अगर तुम्हारी कोई बहुत छोटी होगी या बहुत पतली होगी, तो वो जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर तुम्हें दिक्कतें आएंगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा दिक्कतें आएंगी तो तुम फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो ये एक तुम कह सकते हो इंजीनियरिंग मिरेकल है, ठीक है। तो वो चीज़ है, इंटेल 5 GHz कर रहा है, पर इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर पे 5 GHz जा रहा है। इंटेल की जो अभी करंट CPU है वो 5 GHz से ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर वो 14 नैनोमीटर पे भी हैं। 7 नैनोमीटर पे अगर AMD 4.9 या 4.7 GHz भी जा रहा है पुराने मुकाबले, तो वो चीज़ है। और ऊपर से AMD के जो चिपलेट्स हैं, जिस हिसाब से उनकी पैकेजिंग है, AMD PGA यूज़ करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको जो है वो 7 नैनोमीटर पे 12 नैनोमीटर के मुकाबले अपनी जो बम पिच है वो कम करनी पड़ी, मतलब कि जो तुम्हारा नॉर्मली जो तुम्हारा सिलिकॉन डाई और पैकेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कम करना पड़ा 150 माइक्रोन से 130 माइक्रोन पे। अभी सुनने में तुम्हें ज्यादा नहीं लगेगा, तुम बोलोगे ऐसा क्या है, 20 माइक्रोन का तो फर्क है, 150 माइक्रोन से 130 माइक्रोन पे किया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। बट ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब दुनिया में सिर्फ पूरी दुनिया में, अगेन मैं पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं, धरती है ना हमारी अर्थ, गोल गोल अर्थ, ठीक है, उस पूरी अर्थ में सिर्फ दुनिया में दो ऐसे वेंडर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है ये करने की, ठीक है, पूरी अर्थ में दो। तो AMD को जो है वो अब तुम्हें एक नए अल्टरनेटिव के साथ निकलना पड़ा। उन्होंने जो है वो सोल्डर बम्स का यूज़ नहीं किया, उन्होंने जो है वो कॉपर पिलर्स का यूज़ किया। मतलब तुम्हारी जो चिपलेट्स हैं वो एक तरीके से तुम समझ लो कि कॉपर के पिलर्स पे, यानी खंबे होते हैं ना, खंबे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे खंबे, उनके ऊपर है, ठीक है, जिनसे जो है वो AMD ने जो है वो इस चीज़ को अचीव किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको लगता है कि, और वो खंबे लिटरली एक तरीके से उगाए गए हैं, वो उसके नीचे पैकेज जो तुम्हारी सिलिकॉन डाई है उसके नीचे जो है वो पैकेज को जो है वो एक तरीके से खंबों को उगाया गया है, ठीक है। अब खंबे तुमने कॉपर से कैसे उगाए वो एक अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। और जब तुम उन खंबों को उनके नीचे उगा रहे हो एक तरीके से, तो तुम्हें जो है उनकी हाइट वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा ऊपर हो गए तो तुम्हारी जो चिपलेट है वो आयोडाई से एकदम ऊपर हो जाएगी, कम हो गए तो जो है वो आयोडाई से नीचे हो जाएगी, फिर तुम उसके ऊपर जब IHS लगाओगे तो वो ऊपर नीचे होंगे, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। देखो, इंजीनियरिंग चैलेंजेस आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि AMD महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, तो एक चीज़ एक बार इन चीज़ों को भी सोचना। सेम चीज़ मैं AMD की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटेल की भी तुम्हें बोलता हूँ कि इंटेल भी ऐसा करता है। इंटेल की भी जो ट्रांजिस्टर डेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा, इंटेल जो सनी कोव उनका जो माइक्रो आर्किटेक्चर है उसमें जो वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है 3D स्टैकिंग से, वो भी एक नेक्स्ट लेवल चीज है, वो एक रेवोल्यूशनरी चीज है अगर इंटेल उसको अचीव कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखो, एक कंपनी के फैन बॉय मत बनो, और टेक्नोलॉजी को देखो कहाँ पे इनोवेशन्स हो रही है, कहाँ पे किस कंपनी ने कैसे वो सब किया है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखो, फिर उसके बाद जो है वो तुम्हें लगेगा कि भैया हाँ देखो मैं कितने बढ़िया उसके अंदर हूँ, मैं कितने बढ़िया इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं अगर एक PC गेमर हूँ तो मैं जो CPU यूज़ करता हूँ उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो तुम्हें फिर एक प्राउड फीलिंग होगी और तुम्हें जो है मज़ा आएगा इन चीज़ों के बारे में सीखने में। एंड एक और चीज़, इंटेल ने जो है वो अपनी एक नई तो ओवरक्लॉकिंग यूटिलिटी निकाली है, जिसमें जो है वो एक तरीके से मैं उसे बोलूं तो वो जो है वो एनविडिया के ऑटो ओवरक्लॉक सॉफ्टवेयर जैसा है, क्योंकि लेटेस्ट जब 20 सीरीज आई थी तो एनविडिया ने भी जो है वो अपनी ऑटो ओवरक्लॉकिंग यूटिलिटी निकाली थी, जिसके अंदर जो है वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ही ग्राफिक्स कार्ड को ओवरक्लॉक करेगा थोड़े थोड़े स्टेप्स में, एंड जैसे ही उसको कोई क्रैश दिखता है, वो क्रैश होता है खुद वो उसको एक एल्गोरिदम से उनके पास खुद की एल्गोरिदम है जिनसे वो उसको टेस्ट भी करेगा कि क्या ये ओवरक्लॉक स्टेबल है या नहीं है, एंड अगर वो फेल होता है तो वो उसकी क्लॉक स्पीड नीचे कर देगा पुराने स्टेप पे कि पहले कितनी थी, स्टेबल स्टेप पे ले आएगा, इस हिसाब से वो खुद ओवरक्लॉक करेगा कार्ड को। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर तुमने नहीं देखी एनवीडिया की सॉफ्टवेयर फीचर के ऊपर तो उसको जाके चेकआउट करो आई बटन में। तो इंटेल ने भी जो वो ऐसी सॉफ्टवेयर अनाउंस कर दिया जिसमें तुम ऑटो ओवरक्लॉक कर सकते हो लेटेस्ट 9th जनरेशन के CPUs को K-सीरीज के ऑफकोर्स, तो उसमें जो है वो अपने आप ही वो ओवरक्लॉक होगा, एंड जैसे ही उस क्रैश होता है वैसे ही वो जो है अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन कर देगा एक स्टेप, तो इस हिसाब से जो है वो तुम्हें स्टेबल ओवरक्लॉक मिल जाएगी। बट अगेन कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें बग्स भी हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही काम कर रहा है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। मेरे पास इंटेल का CPU अभी फिलहाल है नहीं जो मैं उसको टेस्ट करूंगा, मतलब 9th जनरेशन का नहीं है, तो वो सब इंटेल ने निकाला है। एंड बस इंटेल ने एक इंश्योरेंस प्लान भी निकाला है, जिस इंश्योरेंस प्लान को अगर तुम लोगे और तुम ओवरक्लॉक करते हो तो तुम्हारा CPU अगर डैमेज हो जाता है तो तुम्हें जो है वो रिप्लेसमेंट में भी मिल जाएगा, क्योंकि CPU रिपेयर तो होगा नहीं, ठीक है। जबकि ये एक बेवकूफी वाला काम है, मतलब ओवरक्लॉक करने के बाद तुम्हें एक इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा
अपने सीपीयू का ओवरक्लॉक करने के लिए, आई मीन व्हाट द फक। अगर तुम इंश्योरेंस नहीं भी खरीदते और तुम्हारा सीपीयू फूक जाता है ओवरक्लॉक करने से, डैमेज हो जाता है आई गेस, मतलब आग नहीं लगी सीपीयू में, मतलब ऐसे डैमेज हो जाता है, कोई देख के बता नहीं सकता कि तुम्हारा सीपीयू जो है वो ओवरक्लॉक करके डैमेज हुआ है। मतलब अगर तुम उसे इंटेल के पास लेके जाते हो कहीं पे सर्विस सेंटर में, या फिर सर्विस सेंटर तुम्हें क्या ही मिलेगा, ठीक। मतलब पहली बात तो सर्विस सेंटर में ले जाने की बात ही कहाँ से आई, मतलब कि तुमने कितने लोग देखे हैं जिनका सीपीयू, जो अपने सीपीयू को सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। आई मीन तुमने देखा होगा बंदे बोलते मेरा ग्राफिक कार्ड खराब हो गया, मैं उसको आरएमए करवाने जा रहा हूँ, मेरा मदरबोर्ड खराब हो गया, मैं आरएमए करवाने जा रहा हूँ। कितने लोगों को तुमने सुना है कि भैया मैं अपना सीपीयू आरएमए कराने जा रहा हूँ, कभी सुना है ऐसा किस्सा? नहीं होता भाई, तुम ओवरक्लॉक कर लो एक लिमिट के अंदर, लिमिट भी नहीं, तुम हद से ज़्यादा भी करोगे तो एक एक पल पर तुम्हारा कूलर लिमिटेशन बन जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे उतना ओवरक्लॉक। हाँ तुम डैमेज कर दोगे चिप को, बट फिर वो बेवकूफ़ लोग ही करते हैं। और ऊपर से इंटेल इसके लिए इंश्योरेंस क्यों चाहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। इस मामले में मुझे एनवीडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एनवीडिया ने अपने बोला है कि तुम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो उनका प्रिसीजन एक्स है उसके अंदर, तुम कुछ भी करो, उल्टा सीधा स्लाइडर व्लाइडर घुमाओ, ऐसे वैसे जो करना है करो, ठीक है, तुम्हें पूरी वारंटी मिलेगी। लेकिन इंटेल है कि भैया देखो यार, मतलब तुम ओवरक्लॉक कर रहे हो तो इंश्योरेंस लो हमारा। मतलब आज तक तो तुमने यार इंश्योरेंस लिया नहीं, अब जो है तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और उस सॉफ्टवेयर से ओवरक्लॉक करने के लिए जो हम इंश्योरेंस लें। वाओ, तो ये एक अजीब चीज़ है। तो उम्मीद है यार तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।